जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल जॉनी हंस कनाडा और मैं हूँ जॉनी हंस। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग ऑल आर वीडियोज एंड इतना सारा प्यार देने के लिए बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अगर आप इस वीडियो को इस YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए जी सब्सक्राइब करना इस YouTube चैनल को और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्ट स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि आर्ट स्टूडेंट्स के लिए कई बार चैलेंज हर बार बिजनेस की बात होती है या फिर आईटी की बात होती है। भैया आर्ट स्टूडेंट्स कहाँ पे जाएं, वो भी तो कनाडा स्टडी करने आना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन से प्रोग्राम्स हैं 2023 में स्पेशली इजी प्रोग्राम्स जो आपको मिल सकते हैं, वो मैं आपके लिए एक लिस्ट बना के लेके आया हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम की। जी हाँ, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का प्रोग्राम। हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम्स काफी इजी होते हैं, वैसे भी अगर हम देखें तो हमारी इनेट नेचर है कि यार वी ऑलवेज लव टू डू सम काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी और यू नो अतिथि देवो भव, सो वी ऑलवेज ट्राई टू ट्रीट पीपल रियली नाइस, स्पेशली जो हमारे गेस्ट होते हैं। तो यही चीज को लेके ये सेम ही चीज है कि यहाँ के रेस्टोरेंट्स होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है कनाडा में भी, और कनाडा में आके अगर आप स्टडी करते हो हॉस्पिटैलिटी की ओवरऑल करियर में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। हर प्रोविंस हर कॉलेज में यू नो आपको ऑलमोस्ट हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, बट अच्छा और अफोर्डेबल कोर्स इस वक्त आपको मिल जाएगा कॉलेज ऑफ द रॉकीज में। उनके पास पूरे बैच की सीट्स अवेलेबल हैं, यू नो ब्रिटिश कोलंबिया के बहुत ही खूबसूरत क्रैनब्रूक शहर में ये कॉलेज है, कॉलेज ऑफ द रॉकीज, जहाँ पे आपको आसानी से एडमिशन मिल सकती है। और हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास अगर आपने टूरिज्म में अपना करियर बनाना है। तो इस प्रोग्राम में इजी एडमिशन, अच्छे सैलरी और वीजा के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, कंसिडर चूजिंग दिस प्रोग्राम। उसके बाद हम नंबर टू पे बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सदाबहार प्रोग्राम है स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि देखा जाए तो यू नो चाहे लड़के और लड़कियां दोनों ये प्रोग्राम कर सकते हैं, बट मैंने जो इसके जो स्टेटिस्टिक्स देखे हैं, डेफिनेटली लॉट ऑफ वेमेन हैव चूजन दिस प्रोग्राम, देन दैट्स डेफिनेटली ट्रू, नो वन कैन केयर एज गुड एज वेमेन डू, बट नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दैट फैक्ट, लड़के भी ये प्रोग्राम ले सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोग्राम है, 2 साल की स्टडी होती है, 3 साल के वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, सब्जेक्ट्स आपके कोई भी हो चल जाएंगे इस केस में, टिल द टाइम यू हैव गुड स्कोर और आपका जो यू नो इंग्लिश का स्कोर है, दैट्स आईएलटीएस स्कोर इज रियली गुड, यू आर एलिजिबल टू टेक दिस प्रोग्राम। अच्छा, इसकी और अच्छी बात यह है कि हर प्रोविंस में इसके लिए डिमांड है, जॉब्स की भी, पीआर में भी बहुत अच्छे पॉइंट्स है, चाहे आप ऑन्टेरियो, क्वेबेक, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, ब्रिटिश कोलंबिया, कहीं भी चूज कर लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का अच्छा स्कोप भी है, अच्छी यू नो पॉसिबिलिटीज भी हैं, सैलरी भी अच्छी है, सो वीजा चांसेस तो अच्छे हैं ही हैं, और अर्ली चाइल्डहुड इज डेफिनेटली ऑन नंबर टू। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी फॉर एसोसिएट ऑफ आर्ट्स। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स का एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्लस टू वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और ये प्रोग्राम आपको यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट और बहुत सारे और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बड़े आराम से मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसकी जो क्राइटेरिया है बहुत सिंपल है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है जो यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम लेके आते हैं, कई बार बच्चे वो स्विच भी कर लेते हैं एसोसिएट ऑफ आर्ट्स को, क्योंकि ये 2 साल का यू नो एसोसिएट डिग्री होती है और इसके बाद आप 3 साल के वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, अगर आप ये सोचो कि एसोसिएट ऑफ आर्ट्स का अगर आप प्रोग्राम लेते हो और हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो गए वर्क परमिट के लिए, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। हमेशा चेक कर लीजिए कि जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी में आप ये प्रोग्राम ले रहे हो, आर दे एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तो ये चेक करके लीजिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस प्रोग्राम। ऑलरेडी मैंने देखा बहुत बच्चों ने सक्सेसफुली ये प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है, एंड दे हैव गॉट देयर 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स एज वेल। तो तीसरे नंबर पे हम इस प्रोग्राम को यू नो कंसिडर करेंगे अगर आप ये प्रोग्राम लेना चाहते हो। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारी टीम चेक चेक सर्विसेज के लेबल के अंडर वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन कनाडा, वी हैव टीम मेंबर्स इन कैमरून, इंडिया, टोरंटो, मंट्रियल, टू मेक श्योर कि आपको राउंड द क्लॉक सर्विस मिल सके। चाहे आपने किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है,
यू आर वेलकम टू अप्लाई. जस्ट सेंड अस एन ईमेल apply@checkcheckservices.com या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी. द प्रोसेस इज रियली सिंपल. हाँ, उसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए आपको सबने मना कर दिया कि आपका नहीं कुछ होने वाला, अगर आपको नहीं कोई आपके पास ऑप्शन बचा, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हो सकता है एजुकेशन ना सही, वर्क परमिट पे आप कैनेडा आ सकते हो डायरेक्टली एज अ फॉरेन वर्कर. हो सकता है विजिटर में बात बन जाए, हो सकता है कि आपके कोई और प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो सकते हो, हो सकता है किसी पीएनपी के लिए एलिजिबल हो जाओ. सो वी विल बी हैप्पी टू फाइंड ऑप्शंस फॉर यू. इसी के साथ मैं ऑप्शन लेके आता हूँ आपके साथ इस वीडियो में. जो चौथा प्रोग्राम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, चौथा प्रोग्राम है स्पेशल केयर काउंसलिंग. जी हाँ, स्पेशल केयर काउंसलिंग और पर्सनल सपोर्ट वर्कर, वो जो फिफ्थ प्रोग्राम है. स्पेशल केयर काउंसलिंग का प्रोग्राम आपको टाफ कॉलेज में मिल जाएगा और इसमें होता है कि जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे सपोर्ट करना, हाउ टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स और फॉर दैट मैटर एनी पर्सन किसी भी इंडस्ट्री में. स्पेशल केयर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है. ऑलमोस्ट नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसबिक, क्वेबेक, हर एक जगह आपको ये प्रोग्राम तो मिल ही जाएगा, बट जॉब डिमांड भी काफी है इस प्रोग्राम की. आप काउंसलिंग में जा सकते हो, कॉलेज काउंसलिंग में जा सकते हो, यू कैन गो फॉर यूनिवर्सिटीज, लाइक एनीवेयर वेयर ह्यूमन बीइंग्स आर वर्किंग, वेयर गुड ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, वेयर मेंटल हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्पेशल केयर काउंसलिंग कैन डेफिनेटली मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट. तो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, वीजा का सक्सेस रेट अच्छा है, प्रोग्राम भी अफोर्डेबल है. आपको अराउंड $14,500 पर ईयर के हिसाब से मिल जाएगा अगर वन ईयर का प्रोग्राम है. अगर ये टू ईयर का प्रोग्राम है तो अप्रोक्सीमेटली $13,500 पर ईयर के हिसाब से आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा. और अब इसके बाद हम पहुंचते हैं हमारे फिफ्थ प्रोग्राम की ओर, पर्सनल सपोर्ट वर्कर. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ओंटारियो में बड़ा ही पॉपुलर है. अगर आपके पास आपको लगता है कि आप ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करना चाहते एजुकेशन में और आप चाहते हैं सिंपल स्केड्यूल हो, इजी क्लासेस हो, तो पर्सनल सपोर्ट वर्कर एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास. शेरिडन, सेंटेनियल, हम्बर, जॉर्ज ब्राउन, कॉनेस्टोगा, कैम्ब्रियन, यू नेम इट, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में आपको ऑलमोस्ट ये प्रोग्राम मिल जाएगा. अगर पर्सनल सपोर्ट वर्कर आप स्टडी करना चाहते हो तो बहुत सिंपल प्रोसेस है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप वहां पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ पांच प्रोग्राम्स हैं जो 2023 में जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो ले सकते हैं. अब आप सोचते हो कि क्या सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट ही ये प्रोग्राम पढ़ सकते हैं? सो दैट इज रॉन्ग. अगर आपके पास कुछ वेरिएशन भी है सब्जेक्ट्स की, Still you can opt for these programs, but हाँ, relevancy prove करना बहुत important aspect है, वो आपको prove करनी ही पड़ेगी. उसके साथ साथ अच्छे ties दिखाने, अच्छे funds दिखाने, documentation में कोई दिक्कत ना हो, file को properly put up करना, ये सारी चीजें बहुत important है. And that is the reason why हमारी team ने तीन तीन refusals जिनके आए हुए थे उनके भी successful visas अप्रूव करवाए हैं. सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल. कभी भी निराश मत होइए. वट एवर द सिचुएशन इज, यू कैन ऑलवेज टर्न इट अदर वे राउंड, बस यू हैव टू हैव द राइट अप्रोच. चाहे फिर फाइल आप खुद लगाइए या हमारी टीम लगाती है, मेक श्योर यू फॉलो द राइट प्रोसेस. इसी के साथ हमारी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. इफ यू वॉन्ट टू वॉच English content, consider watching our YouTube channel Study Buddy Canada, which is our English channel. और अगर आपका कोई दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार, any person who wants to come to Canada on on a visitor visa, business visa, या किसी ने अपने spouse को sponsor करना है, या फिर education के लिए any question query, you are welcome to approach our team and we'll be happy to help. On that note, this is me, Johnny Hans, signing off for the day. हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा.